जस पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का जी आया नूं मैं हाँ तुहाडे नाल हरकीरत सिंह आलूवालिया लैके हाजिर हाँ तुहाडा हरमन प्यारा शो अज का मुद्दा दोस्तों हाजिर हाँ तुहाडा और लैके असी हमेशा गल करते हैं उन्होंने मुद्दों बारे जो कि नैशनल ते इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ते आवाज़ बने हैं और सब तो पहला तो मैं सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहना कि तुसी सानू बहुत सहयोग कर दे हो और इस मुद्दे दे विच तुसी अपने जिहड़े विचार ने साडे नाल सांझा कर दे हो और साडी कोशिश रहिंदी है कि उन्हां खबरां बारे असी तुहानू दसीए उस उन्हां खबरां बारे चानना पाइए जो कि भारत दे विच विदेशां दे विच एक आवाज़ बनी हन मुद्दे बने हन मसले बने हन। अज मेरे कोल एक गंभीर विशा हुणे साडे कोल आया आपां मुद्दा किसी होर मुतलक रख्या सीगा लेकिन असी हुण मुद्दे नूं थोड़ी देर पहला ही चेंज किया। एक वड्डी खबर भारत तो दिल्ली तो सामने आ रही है और खबर यह आ रही है कि संत जरनैल भिंडरांवाले खालसा जी जिन्हां दा ऑल ओवर वर्ल्ड समुची सिख संगत जिहड़ी है उन्हां नूं बखूबी जानती है और उन्होंने जो योगदान पाया सिख कौम दे लई वह भी उन्हां नूं जानते हैं। जेकर मैं तुहानूं कहां कि जेकर तुसी उन्हां दी पिक्चर लाउंदे हो तां तुहानूं गिरफ्तार कर लिया जाएगा भारत दे विच और खास तौर पर दिल भारत की राजधानी दिल्ली दे विच तां तुहानूं किवें महसूस होएगा। तुसी कहोगे कि हरकीरत यह किवें दी गल्लां तुसी कर रहे हो लेकिन यह वाकई ही होया। मैं तुहानूं एक पिक्चर दिखाना चाहवांगा यह ऑटो वाले महिंदर सिंह साडे सिख भरा जो कि 1984 सिख जेनोसाइड के विक्टम भी हैं और उन्होंने ऑटो के पिछे यह फोटो लाई सीगी और जिस तों बाद उन्होंने सरोजनी नगर थाने बुलाया गया तिलक नगर थाने तो उन्होंने चक के सरोजनी नगर थाने ले जाया गया उन्होंने डिटेन किया गया उन्होंने उत्थे पुछगिछ की गई कि तुसी ए फोटो क्यों लाई है जिस करके यह मुद्दा इन्ना भखिया कि असी कोशिश की कि सब तो पहला दर्शकों के सामने लैके जाइए क्योंकि किसी भी मीडिया हाउस ने इनू हजे तक कवर नहीं किया क्योंकि इस टाइम दिल्ली के घटो घट रात के 2 बज रहे होने हैं तो मैंने लगता कि मीडिया इस टाइम सो रहा होना लेकिन जस ब्रॉडकास्टिंग जागया होया और वो उठाया होया और तुहाडे सामने मुद्दा लैके आया होया। असी लैके आ गए फोन पर चरणजीत सिंह जो कि विक्टम ने जिन्होंने पुलिस ने डिटेन किया होया। चरणजीत सिंह जी की हालात बने हुए ने की कुछ वापरिया तुहाडे नाल तुसी इस टाइम ऑन एयर हो की कुछ कहना चाहोगे दर्शकों। हाँ जी सर मैं थाने से हैगा जी इस टाइम भी मतलब मैं जानना चाहांगा मेरे दर्शकों नूं तुसी दसो कि मामला की सीगा पूरा तुहानूं कित्थों कॉल आई तुहानूं कद अरेस्ट किया गया और इस टाइम रात दे घटो घट उत्थे 1:30 या 2 बज रहे होना इंडिया दे विच पूरा मामला सानूं विस्तार दे विच दसो। ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਜ 4 ਵਜੇ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਜਨਕਪੁਰੀ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰੋਜਨੀ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰੋਜਨੀ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਟੈਰੀ ਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ रिश्तेदार लाइन ते साढ़े नाल रहे हो मैं एक निक्का जिहा वक्फा ले रहा ब्रेक ले रहा मैं चाहवांगा एक बारी अपने टैक्नीकल टीम नू महेंद्र सिंह जी औरां दी जिहड़ी असीं गल कर रहे उन्हां दी फोटो भी तुसीं नाल दिखाओ ते ब्रेक तो जाण तो पहलां असीं दर्शकां नू दिखा दईए कि महेंद्र सिंह जी ने और इन्हां नू पुलिस ने डिटेन किया होया ते नाल इन्हां दे रिश्तेदार चरणजीत सिंह होर भी मौजूद ने जिन्हां नूं इस करके डिटेन किया गया कि तुसीं संत जरनैल भिंडरांवाले खालसा जी की फोटो लाई हुई है अपने ऑटो के पिछे तो पुलिस ने इन्हां नूं गिरफ़्तार किया। असीं कोशिश करांगे कि पुलिस के SHO नूं भी लाइन पर लईए और पुलिस स्टेशन के जिहड़े SHO ने सरोजी नगर ते उन्हां नूं भी लाइन पर लईए इस मुतलक जानने की कोशिश करिए उन्हां नूं भी ते इन्हां दे ऑटो का नंबर है DL1RP7079 ते शाम नूं 4 बजे तुहानूं पुलिस जिहड़ी है तिलक नगर घर तो तुहाडे उठा के लै गई और सरोजनी नगर थाने लै गई राइट। हाँ जी सर। हाँ जी तो हुण की कह रही है पुलिस की तुहानूं कि छड्ड देणगे या कुछ कार्रवाई की जाएगी?
ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਈਪੀ ਵਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੁਲਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ SHO ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਸ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ SHO ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।